आपका, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त कोविड के नई संशोधित गाइडलाइन जारी। प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से नियमित होंगे और अब बाजार, मॉल्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने का समय रात 10 बजे तक। रविवार का जन अनुशासन कर्फ्यू को किया गया समाप्त और प्रदेश में कोविड की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई संशोधित गाइडलाइन 31 जनवरी से होगी लागू। नगरीय क्षेत्रों के निजी सरकारी स्कूल की कक्षा 10वीं से 12वीं और 1 फरवरी से कक्षा 6 से 9 गतिविधियां यानी 10 फरवरी से होंगी शुरू। स्कूल आने से पहले विद्यार्थियों को माता पिता अभिभावक के लिखित अनुमति जरूरी हो गई है और ऑनलाइन पढ़ाई किस विधा लगातार संचालित की जाएगी। समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यावसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे तक खोलने की छूट। नगरीय क्षेत्रों में रविवार का जन अनुशासन कर्फ्यू किया समाप्त। रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद सभी संस्था प्रधान, विभाग अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थान संचालकों को वैक्सीन डोज लगाने की घोषणा के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेलों में 100 जनों की मौजूदगी को मंजूरी दी गई है। विष्णु शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विष्णु, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत कुछ रियायतें दी है। हालांकि जो ये कोरोना है संक्रमण, वो कुछ इलाकों में बढ़ा हुआ है, कुछ शहरों में। उसके बाद सरकार ने अब कुछ शहरों में जो गाइडलाइन जारी की थी पहले पूर्व में, उसमें कुछ छूटें दी है। जैसे स्कूल खोलने के लिए कह दिया गया है कक्षा 10वीं से 12वीं 1 फरवरी से खुलेगी, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के जो कोरोना की जो फर्स्ट डोज है वो लग चुकी होगी और दूसरी डोज भी लगभग कुछ विद्यार्थी लगवा चुके होंगे जिनकी शुरुआत वैक्सीन हो गई थी। इसके अलावा कक्षा 6 से 9 तक के जो विद्यार्थी है जिनके स्कूल है वो 10 फरवरी से खुल जाएगी। सरकार ने अभी फिलहाल जो बाजार बंद करने का जो है वो रात 8 बजे का समय है। अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ाते हुए 8 बजे तक छूट दे दी है कि बाजार रात 10 बजे तक खुले रह सके। और इसके अलावा जो अभी धार्मिक, सामाजिक गतिविधियां हैं जहां पर रैली, सभाएं, जुलूस है, वहां 50 लोगों की अनुमति है, अब उसको बढ़ाकर 100 कर दिया है। यानी जो विवाह समारोह है वहां भी 100 की संख्या रहेगी और इन जो कार्यक्रम होंगे इनमें भी 100 की संख्या कर दी गई है। इसके अलावा हालांकि सरकार ने कहा है कि 31 जनवरी के बाद जो प्रत्येक संस्थान है, चाहे वो बाजार हो, मॉल हो या अन्य कोई भी किसी तरह का संस्थान हो, वहां पर ये तय होगा कि वो वैक्सीन की दोनों डोज कर्मचारियों ने लगाई नहीं लगाई तो चश्मा करना होगा, कितने लोगों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगी है, कितने की सेकेंड डोज लगी है। इसके अलावा उन्हें जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खास बात यह है संजय कि जनवरी और फरवरी में जो उर्स और साथ में जो मेले और ये आयोजित होंगे उनके लिए सरकार ने छूट दे दी है कि वो आयोजन कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा, अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेला संचालकों पर होगी, लेकिन उन्होंने छूट दे दी है मेला और उसको आयोजन। इसके लिए कहा गया है कि जो पर्यटन की दृष्टि है उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि प्रदेश में मेले और जो कार्यक्रम होते रहेंगे। जी संजय, प्रतिष्ठानों, मॉल्स और इन सबों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, बाजारों को एक तरह से कहा जाए कि फुल परमिट दे दी गई है, क्या इसमें भी कोई गाइडलाइंस या कोई कहा जाए कि रूल रेगुलेशन लागू किए गए हैं? बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं कि जो बाजार, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं या जो है 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। हालांकि उन्हें जो कर्मचारी है, खुद मॉल्स बाजार है, उन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही जो कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और 2 गज की दूरी, वो उनका पालना करना होगा। और इसके लिए जो जो संयुक्त टीम है वो बराबर इन व्यापारियों से और इनसे सबसे संपर्क बनाए हुए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी है जो इलाके हैं वहां पर खासतौर से ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए जागरूकता भी फैलाई जाएगी और इसके लिए व्यापक निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही जो कोरोना की जो अन्य कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो उनको भी थोड़ा सा डील दी गई है कि लोग जो है वो उनको ध्यान रख सके। और जो जनवरी
31 जनवरी तक सबको पहले भी कहा गया था और अपील भी की गई थी, जो बाजार ठिकरियां या ऐसी चीजें जहां मजदूरों को दोनों डोज लगी है वहां बाकायदा अभियान चलाकर व्यापक रूप से उन्हें दोनों डोज लगवाने जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अच्छा, स्कूलों को लेकर अभी क्या इसमें कहा गया गाइडलाइन में, क्या खोले जाएंगे, कब से, और इसके साथ साथ कितनी संख्या हो सकती है, क्या कुछ उसको लेकर है? संजय, अभी जो प्रारंभिक जो अभी गाइडलाइन जारी की गई है कुछ देर पहले, उसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं के स्कूल है वो 1 फरवरी से खुल जाएंगे, यानी मंगलवार से 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 6 से 9 की जो चाहे तमाम प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल है वो 10 फरवरी से खुलेंगे। इसके लिए अभिभावक, जो भी माता पिता या अभिभावक जिनके साथ वो रहते हैं, वो उनकी लिखित परमिशन होना आवश्यक होगी कि वो चाहे तो अपने बच्चों को भेजे और वो चाहे तो नहीं भेजे। और साथ ही जो स्कूल वालों को पाबंद किया गया है कि वो ऑनलाइन क्लासें यथावत जारी रखेंगे, यानी जो बच्चे स्कूल में आगे पढ़ना चाहे वो स्कूल में पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, और नहीं तो ऑनलाइन क्लास में उनके लिए जारी रखी जाएगी। ये स्कूल वालों के लिए क्या गया, जो व्यापक विस्तृत निर्देश है जो पहले जारी किए गए थे गाइडलाइन में उनकी पालना करनी होगी। जो बैठने का स्थान स्वच्छ दार कमरे हो, सैनिटाइज हो, जहाँ पर प्रवेश के रास्ते हो या जहाँ बार बार छुए जाते हैं गेट के दरवाजे नल, इनको सैनिटाइज किया जाएगा। प्रार्थना सभाएं नहीं होगी, कैंटीन बंद रहेगी। ये तमाम जो प्रतिबंध थे जो पहले लागू किए गए थे वो जारी रहेंगे, केवल स्कूल क्लास खोलने के लिए अनुमति दी गई है। और ये सभी तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे। जी संजय, जब शादियों और जो इवेंट थे इनको लेकर भी पहले गाइडलाइन थी, सीमित संख्या की गई थी, क्या इसको अब कितनी बढ़ाई गई है, कितनी परमिशन मिली है? संजय, संख्या तो वही 100 रखी गई है, लेकिन जो विवाह संचालक या मैरिज गार्डन होटल जो भी विवाह स्थल है उनको ये कहा गया है कि अगर किसी ने जो बुकिंग है वो निरस्त करा ली है, पहले भी निर्देश दिए गए थे लेकिन इस नई गाइडलाइन में भी कहा गया है कि अगर किसी ने बुकिंग निरस्त करवाई है तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है या उसका जो रिफंड है वो लौटाया जाएगा। ये निर्देश स्पष्ट दिया है, पहले सलाह दी गई थी और अभी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनके लिए अनिवार्य होगा कि ये इनका रिफंड लौटाए, जो भी आयोजन करता है, विवाह करता है, उनका सबका रिफंड लौटाए। जी समझे, बिल्कुल सही आपने कहा कि रिफंड लौटाया जाए, ये तमाम व्यवस्थाएं। वैक्सीनेशन को लेकर भी कोई इसमें दिशा निर्देश है? संजय, वैक्सीनेशन को लेकर जैसा कहा गया कि 31 जनवरी तक अनिवार्य किया गया था कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लें, और इसको लेकर जागरूकता भी कार्यक्रम शुरू किए गए थे। और अब कहा यह गया है जो भी तमाम चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो या प्राइवेट प्रतिष्ठान हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, वो अपने 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 संस्थान के बाहर चश्मा करेंगे या सूचना कि कितने लोगों के वहां जो काम कर रहे हैं, कितने लोगों के वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी, कितनों की सेकेंड डोज लग चुकी, कितनों के दोनों डोज लग चुकी, तमाम जानकारी वहां लिखी होगी। और इसके लिए तो संयुक्त टीमें हैं प्रशासन की और पुलिस की, वो दौरा करके और चेक करेगी कि वहाँ इनके वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। सरकार का मानना ये भी यही है कि जो वैक्सीनेशन है वो एकमात्र बचाव है, और इसी को लेकर जो मिशन मोड पर ये अभियान चलाया गया है सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि वो किस तरह से जो लोग रह गए हैं उनको वैक्सीनेटेड करवाए। जी समझे, बिल्कुल। सरकार के चुकी ये गाइडलाइन एक तरह से थोड़ी थोड़ी ढील के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्या ये माना जाए कि अब राजस्थान के भीतर जिसको हम तीसरी लहर मानकर चल रहे थे वो अब डिक्रीज मोड में है, कम होने की उसकी रफ्तार शुरू हो गई है? बिल्कुल संजय, ये माना जा सकता है क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कुल मिला के उसी दिशा में उठाए हैं, क्योंकि जो धीरे धीरे छूट दी जा रही है, पहले भी जो कोरोना संक्रमण था, दूसरी लहर थी, उस दौरान भी धीरे धीरे खोले गए थे और धीरे धीरे जो प्रतिबंध थे उनको हटाए गए थे, वही इस तरह बार हो रहा है कि शादी विवाह समारोह में पहले 50 की छूट थी, अब 100 की दे दी गई है। ऐसे साथ ही जो धार्मिक सामाजिक गतिविधियां, इनमें पहले 50 लोगों तक के सम्मिलित होने की थी, अब उन लोगों को भी 100 तक आने की सम्मिलित छूट दी गई है। इसके अलावा जो मेले हैं, उर्स है, उनको छूट दी गई है, क्योंकि जो अगर अपन पिछले दिनों के आंकड़े देखें तो जो ओमिक जो कोरोना संक्रमण है या जो कोरोना पॉजिटिव है उसके आंकड़े लगातार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जयपुर में एक समय था जब राजधानी जयपुर में 4,000 से ऊपर आंकड़े आ गए थे और अब आज 2,200 के आसपास है। तो ऐसे में माना यह जा सकता है कि धीरे धीरे जो संक्रमण कम हो रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा, सरकार छूट दी जा रही और सरकार इसको समझ रही है, इसीलिए तमाम चीजों को लेकर थोड़ी थोड़ी अब कहा जाके व्यवहारिक तौर पर चीजें ओपन करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की नई गाइडलाइन
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।